नमस्कार, मैं राघविंद पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बारी है क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस के क्वेश्चन आंसर की। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देख पाया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख भी सकते हो। उस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ इस चैप्टर के बारे में बताई थी। जब तक चैप्टर समझ में आएगा तब तक हम क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप लोगों के लिए चैप्टर 8 में मैं टोटल 9 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये 9 क्वेश्चंस मेरे खजाने से हैं। खजाने का मतलब होता है मेरे नोट्स। तो मेरे नोट्स से ये 9 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए जिसमें आपको राइटिंग स्किल, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर सब कुछ है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। जब स्कूल उनका खत्म हो जाएगा दोनों लड़कियों को, अगर आपने स्टोरी समझी होगी तो आपको पता होगा कि सोफी और जेंसी की यहाँ पे बात हो रही है। जब दोनों लड़कियों का स्कूल खत्म हो जाएगा तो उनको जॉब कहाँ मिलने की संभावना थी, वर्क कहाँ मिलने की संभावना थी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बात कर रही है दोनों कि जब हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा तो हमें जो काम है वो बिस्किट फैक्ट्री में मिलेगा क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका था ये सब। तो देखिए, सोफी एंड जॉन्सी वर क्लासमेट्स। सोफी और जॉन्सी जो थी वो क्लासमेट्स थी, बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। दो सोफी वॉन्टेड टू हैव अ बुटीक ऑफ हर ओन। अब सोफी जो थी वो बड़ा सोचने वाली थी तो वो चाहती थी कि मैं खुद का बुटीक खोल लूँ। बट इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट दे वुड फाइंड वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल। लेकिन ये ज़्यादा संभावना थी क्योंकि उनका सिलेक्शन भी हो गया था और वो इतने अमीर भी नहीं थी कि बुटीक खोल लें, तो ये ज़्यादा संभावना थी कि उनको काम जो है वो बिस्किट फैक्ट्री में मिले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। कौन कौन से ऐसे सपने थे जो सोफी सोच रही थी और व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। और वहीं पर जेंसी जो थी वो मना कर रही थी, क्यों बड़े बड़े सपने सोच रही हो जब पूरे नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे सपने ऐसे थे जो सोफी फालतू में सोची जा रही थी। तो देखिए, सोफी वॉज एन एम्बिशियस गर्ल। सोफी एक एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी लड़की थी। सी वॉज ऑलवेज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशंस। वो हमेशा सपनों में रहती थी, इमेजिनेशन में रहती थी। सी हैड अ ड्रीम ऑफ ओपनिंग हर ओन बुटीक। उसकी इच्छा थी कि मैं खुद का बुटीक खोलूँ। बट जेंसी जो थी वो वॉज अ प्रैक्टिकल गर्ल। वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल गर्ल थी। सी न्यू दैट विदाउट मनी अ बुटीक कुड नॉट बी ओपन। उसे पता था कि बिना पैसे के बुटीक नहीं खोला जा सकता है। सो सी एडवाइज सोफी टू कलेक्ट मनी। इसलिए उसने सोफी को एडवाइज किया कि आप पैसे इकट्ठे करो। एट दिस, यहाँ पर सोफी सेड दैट सी वुड वर्क एज अ मैनेजर। तो उसने बोला, अरे जेंसी चिंता क्यों करती हो, मैं बढ़िया एक मैनेजर बन जाऊँगी। तो जो जेंसी बोली कि नो वन वुड अपॉइंट एज हर एज अ मैनेजर सिंस सी हैज़ नो एक्सपीरियंस। तुम्हें कौन रखेगा मैनेजर के रूप में, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है। देन सोफी ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर। तो उसकी इच्छा थी कि मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊँ, और एन एक्ट्रेस। और उसकी इच्छा थी कि मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँ। तो सब चीज़ें उसको आसान लग रही थी लेकिन थी नहीं इतनी। जेंसी न्यू दैट सोफीज ड्रीम्स वर फार फ्रॉम रियलिटी। जेंसी जानती थी कि सोफी के जो ड्रीम्स हैं वो सच्चाई से बहुत दूर हैं। सी वॉन्टेड सोफी टू बी सेंसिबल, सो सी डिस्करेज्ड हर फ्रॉम सच फैंटेसीज। इसलिए वो बार बार ऐसी फालतू इच्छाएं से दूर रहने के लिए कह रही थी और उसको डिस्करेज कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज जियोफ बिलीव दैट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। आपको लगता है कि जो जॉफ था, जो उसका भाई था, वो उसको आसानी से बिलीव हो गया था कि वो एक सेलिब्रिटी से मिल के आई है। सेलिब्रिटी कौन था, डैनी कैसी। तो नहीं हुआ था। जॉफ जो था डज नॉट बिलीव सोफी व्हेन सी टेल्स अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। जब उसने बोला कि भैया मैं डैनी कैसी से मिल के आई हूँ, ही नो, तो उसे पता था कि इसकी सिस्टर जो है वो हमेशा सपनों में रहती है। जॉफ थॉट इट वॉज द मोस्ट अनलाइकली थिंग। और जॉफ को पता था कि ये मोस्ट अनलाइकली थिंग यानी कि बिल्कुल नहीं होने वाला बोले होने वाली चीज़ है, मतलब ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी। उसके पापा को बिलीव हुआ था क्या, नहीं, उसे भी पता था कि मेरी लड़की खूब सारे सपने सोचती है। तो नो, हर फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी। सी नोज जो ही नोज सॉरी ही नोज सोफीज इमेजिनेटिव नेचर। उसे पता था कि ये सोचती रहती है। सो सी स्कोल्ड्स हर फॉर टेलिंग सच वर्ल्ड वाइड स्टोरीज। इसलिए पिताजी ने उसको डांटा भी था कि ऐसी फालतू स्टोरी मत सोचा करो। ही लुक्स एट हर इन एंगर। और उसने उसको गुस्से से भी देखा था।
समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। कैसे सोफी ने अपने भाई को अपनी जो फैंटेसी थी, जो कल्पनाएं थी, जो इच्छाएं थी, उनको कैसे शामिल किया। तो सोफी जो थी वो अपने भाई जॉफ से ज़्यादा अटैच्ड थी। सी नोज दैट ही वॉन्ट लेट हर डाउन एंड सपोर्ट हर। उसे पता था सोफी को कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे नीचा नहीं दिखाएगा। सी होप दैट हर ब्रदर वुड टेक हर टू मीट डैनी। उसे पता था कि मेरा भाई मुझे डैनी से मिलाएगा। देयरफॉर सी इंक्लूड्स जॉफ इन हर फैंटेसीज। इसलिए उसने सारी फैंटेसीज में, यानी सारी बातों में अपने भाई को मिलाना शुरू कर दिया और सारी बातें वो अपने भाई को बताती थी क्योंकि वो सुनता था उसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री डिड डैन कैसी प्ले फॉर। कौन सी कंट्री से डैनी कैसी खेलते थे। तो डैनी कैसी आयरलैंड से खेलते थे, वो एक आयरिश प्लेयर थे। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन में से 7th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। जो सोफी है, व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी, मतलब वो नहीं चाहती थी सोफी कि जेंसी को उसकी स्टोरी के बारे में पता चल जाए जो डैनी के साथ वो बता रही है। तो सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स। जो सोफी और जेंसी थे वो दोनों के दोनों क्लासमेट्स थे। सोफी डिडंट वांट जेंसी, सोफी नहीं चाहती थी कि जेंसी को ये पता चल जाए। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेंसी वुड टेल एवरीवन, सबको बता देगी इसके बारे में, एंड पीपल वुड कम इन लार्ज नंबर टू कम टू नो अबाउट इट। और बहुत सारे लोग आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैं डैनी क्या चीज़ें मिली हूँ। सोफी वॉज स्केयर्ड ऑफ हर फादर। सोफी को अपने पापा का भी डर था। सी फियर दैट हर फादर वुड मर्डर हर। उसे पता था कि मेरे पिताजी को अगर पता चल गया तो वो मेरे को मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी। क्या डैनी कैसी से सोफी वास्तव में मिली थी। तो मिली तो नहीं थी। तो नो, सोफी डिड नॉट मीट डैनी कैसी। सी माइट हैव सीन हिम फ्रॉम डिस्टेंस एंड कुक्ड द होल स्टोरी इन हर माइंड। उसने सिर्फ दूर से देखा होगा और पूरी स्टोरी अपने माइंड में उसने कुक, यानी कि पका ली थी, अपने मन से पका ली थी पूरी, है ना। लास्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली ओकेशन वेन सी गॉट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ओकेशन था, कौन सा अवसर था जब उसने मतलब डैनी कैसी को देखा था। तो वन सैटरडे, एक सैटरडे, सोफी, हर फादर, उसका भाई जॉफ, उसका छोटा भाई डेरेक, वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच। सब लोग कहाँ पे गए, फुटबॉल मैच देखने गए। डैनी कैसी वॉज प्लेइंग इन दिस मैच फॉर द यूनाइटेड। यूनाइटेड की तरफ से डैनी कैसी उस मैच को खेल रहे थे। ही प्लेड ब्रिलियंटली, उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला, एंड स्कोर्ड अ गोल फॉर हिज टीम, और अपनी टीम के लिए गोल भी किया। दैट वॉज द ओनली ओकेशन वेन सी सॉ डैनी कैसी इन पर्सन। और उसने तभी डैनी कैसी को सामने से देखा था, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग देखने आते हैं मैच, है ना। तो इस तरह से वो सिर्फ एक फैन थी डैनी कैसी की, वास्तव में वो नहीं मिली थी। समझ में आ चुका होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।